फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, या जो हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन हम बोलते हैं कि जैसे ब्रीथिंग होती है, तो ब्रीथिंग हो गई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो उसी तरीके से रेस्पिरेशन में आ गया, ब्रीथिंग में हो गया कि ऑक्सीजन को इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दैट इज द ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है, एक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है जिसके थ्रू हम लोग को एटीपी या एनर्जी मिलती है, और ये ब्रीथिंग की हेल्प से ही होता है। अगर हमको ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तभी हम पूरा अपना फूड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो सकता है वो, अदरवाइज वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे हर बॉडी का, हर एनिमल में अपना एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, रिबकेज इसको कवर करके रखता है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है। और दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, वो मेन ऑर्गन जो होते हैं उसके वो हो जाते हैं, नोज से स्टार्ट हो जाता है, नोज, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के आगे आ जाता है, फिर उसमें फेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ये सब आ जाते हैं, ट्रेकिया आ जाएगा, ट्रेकिया के बाद इसमें आ जाता है ब्रोंकाई। ठीक है, तो नोज, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, लंग्स हो गए, और उसके बाद लास्ट में हो जाता है डायफ्राम। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है सिस्टम के अंदर, ये सारे ऑर्गन्स मिलके पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, जिसमें कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग। ठीक है, तो जो लंग्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो हमारे चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों कैविटी को जो सेपरेट करता है वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है ये एक मस्कुलर वॉल है। डायफ्राम का जो वर्क है वो क्या हो गया, ये क्या है, मस्कुलर लेयर, मस्कुलर वॉल है ना। इसका काम क्या है, डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएट बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। इसको डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट की जगह हम यहां सेपरेट ज्यादा सुटेबल होगा, सेपरेट भी बोल सकते हो, सेपरेट द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों कैविटी को जो हमारे हम लोग यहाँ पे महसूस भी करते हैं, तो इसके लंग्स के नीचे होता है, और इसके डायफ्राम एक मस्कुलर वॉल होती है। इसके अप एंड डाउन होने से लंग्स के जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला के एक कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में जो लंग की पोजीशन होती है वो एक्सपेंड और रिलैक्स होती है, तो उसको चेंज करने में डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें जो जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमारा नोज से स्टार्ट हो जाता है। नोज में नॉस्ट्रल्स होते हैं, वो नॉस्ट्रल्स जो होते हैं उनके अंदर ईयर वैक्स, वैक्स कैनाल होती है, वैक्स ग्लैंड होती हैं जो एक वैक्सी सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, और हेयर सेल्स होती हैं प्रेजेंट। तो हेयर सेल्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करती है, बैक्टीरियाज को ट्रैप करती है, जिससे कि कोई भी जो एयर के अंदर कोई भी जर्म्स हैं वो अंदर ना एंट्री कर सके। तो उनको जर्म्स फ्री करने के लिए वहाँ पे हेयर सेल्स, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, साथ में वैक्सी सब्सटेंस सिक्रीट होता है। तो वैक्सी सब्सटेंस का काम ये है कि हमारी नोज को मॉइस्ट रखना का, रखने का, क्योंकि अगर वहाँ पे जो है एयर जो होती है वो जाएगी अगर, तो वो ड्राई होती है। तो एयर जो है वो नोज वॉल्स को, नॉस्ट्रल्स की वॉल को हमारे क्या कर सकता है, ड्राई कर सकता है। तो उसको हमें मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, लुब्रिकेट करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एयर है वो उस ट्रैक को हमारे ड्राई कर देगी, जिससे हमारी वॉल्स वहाँ पे अंदर की जो लेयर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं।
तो इसलिए वहां पे वैक्स लेयर, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है नॉस्ट्रल्स के अंदर, नेसल पैसेज के अंदर, तो जो उसको वहां पे वैक्सी सब्सटेंस का सिक्रीशन करती है, जिसकी हेल्प से हमारा जो नोज पोर्शन है, नेसल पैसेज है, वो क्या रहता है, मॉइस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नॉस्ट्रल जो ओपन होते हैं वो फैरिंग्स में ओपन होके, यहाँ माउथ कैविटी और फैरिंग्स ही रहता है, तो माउथ कैविटी और जो नेसल पैसेज है वो ऊपर नीचे होते हैं दोनों, और फिर दोनों ज्वाइंट जो नॉस्ट्रल वाला है, ये जो माउथ कैविटी है वो तो यहाँ पे ईसोफेगस से ज्वाइंट हो जाएगी, और इधर जो ये वाला पोर्शन है ये किससे ज्वाइंट हो जाएगा, नॉस्ट्रल्स वाला ट्रैकिया से। ठीक है, ये वाला लैरिंग्स और ट्रैकिया आ गया, तो जो ट्रैकिया, ये वाली ट्रैकिया है, ठीक है, ये ट्रैकिया हो गया है ना, और ये वाला पोर्शन क्या है, लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स होता है हमारा, और इसके अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स क्या है, वोकल कॉर्ड, वॉइस बॉक्स, सॉरी वॉइस बॉक्स होता है, इसके अंदर टू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो जब एयर इनके अंदर आती है तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती है जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो लैरिंग्स जो है वो क्या करता है, यहाँ पे लैरिंग्स के बाद यहाँ पे क्या आ गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकिया क्या हो गया, विंड पाइप, इसका काम क्या है, एयर को पास करना। एयर जो है यहाँ पे ट्रैकिया, देखो ये इलोंगेटेड है, फिर ये बाद में दो उसमें डिवाइड हो जाती है, जो राइट लंग और लेफ्ट लंग में एंटर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होती है किसमें, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है इस पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ रिंग्स बनाई हुई हैं, इन रिंग्स को हम बोलते हैं रिंग्स ऑन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स, ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स का जो फंक्शन है इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एयर की अमाउंट कम हो जाती है इन द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन कम होने पे जो ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया हैं ये कॉलेप्स नहीं होंगे, तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट दी कॉलेप्सिंग, प्रिवेंट दी कॉलेप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई इन द एब्सेंस और लो अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एयर के अमाउंट किसी वजह से कम हो रही है या ब्रीथिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, तो उस टाइम पे ये श्रिंक हो सकते हैं अगर इन पे कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होंगी। तो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो प्रेजेंट हैं वो इसको कोलैप्स होने से रोकती हैं, तो इसलिए इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो कि कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या रोल है, या कि कम अमाउंट होने पे एयर के ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं होता है, तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, है ना, तो ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई दोनों लंग्स में एंटर कर जाते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और फिर उसके बाद जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो जाती है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स में, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, इस तरीके से ये क्या होती रहेंगी, आगे डिवाइड होती रहती है, ये ब्रांचेस बनती चली जाती है, जैसे एक गई प्राइमरी, फिर उससे दूसरी निकली सेकेंडरी, फिर उससे निकली तीसरी टर्शरी, इस तरीके से इसमें आगे वो होता रहेगा, और लास्ट वाले में यहाँ पे एक एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उन एयर सैक्स को हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये देखिए, ये जो राउंडेड दिख रहे हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वियोलाई है। तो जब यहाँ पे लंग्स के अंदर ब्रोंकाई एंटर हुई, ब्रोंकाई डिवाइड होती है, ब्रांचेस बनाती है, एक ब्रांच बनाई प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, फिर उससे फिर दूसरी ब्रांच निकली सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर उससे निकली टर्शरी ब्रोंकियोल, फिर उनसे निकलती है क्वार्टनरी ब्रोंकियोल्स, तो उसमें जो लास्ट में टर्मिनेट होंगी ब्रोंकियोल्स वो किससे टर्मिनेट होंगी, एयर सैक से। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई।
तो एल्वोलाई अपने लिए मतलब ये किस तरीके से एयर को मैक्सिमाइज कर सकता है या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में हेल्प करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि एल्वोलाई की लेयर जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और ये नंबर्स में मिलियंस में होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन की रेट को मैक्सिमाइज या अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा एयर को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है एल्वोलाई के ऊपर कि एल्वोलाई में मतलब कि क्यों ये जो है मतलब एडेप्टेड है रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथ मतलब कि एयर को स्टोर करने के लिए। तो इनके अंदर ऐसा क्या होता है, दो पॉइंट हो गए, एक तो थिन वॉल होती है इनकी और दूसरा मिलियंस इन नंबर, मिलियंस इन नंबर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ आपका किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया है पूरा। अब दूसरी चीज जो लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट लंग है, तो इनके चारों तरफ एक लेयर होती है, डबल लेयर होती है यहाँ पे इस तरीके से, ये चीज। तो ये वाली जो लेयर है ये होती है प्लूरा, डबल लेयर होती है प्लूरा, डबल वॉल्ड है, तो ये लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और इन प्लूरल वॉल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो लंग्स को आउटर फ्रिक्शन से मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट लंग्स हो गए और इनमें ब्रोंकाई डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स में टूट ब्रेक डाउन होता है और ब्रोंकियोल्स पे टर्मिनेट होते हैं एल्वोलाई से, जो मिलियंस ऑफ नंबर्स में होती हैं, जो एडेप्टेड हैं इसके लिए रेस्पिरेशन के लिए। फिर लास्ट में दूसरी चीज डायफ्रागम, तो डायफ्रागम एक मस्कुलर वॉल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका काम है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिफ्रेंशिएट करना, सेपरेट करना। एक तो फंक्शन ये हो गया, अभी क्या करता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन दोनों को मिला के एक कंप्लीट साइकिल होती है रेस्पिरेशन की। इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेना और इन एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन को रिलीज कर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। तो जब बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर एयर आती है तो एयर क्या जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, तो एक्सपेंड होने पर जो डायफ्रागम है ये फ्लैट हो जाती है, इस तरीके से ये फ्लैट हो जाएगी, तो जिससे जो लंग्स का साइज है वो लार्ज हो जाता है। ये लंग्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड। ठीक है, ये हुआ इनहेलेशन। अब अगर एक्सहेलेशन होना है यानी कि उल्टा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव होना है, तो ये डायफ्रागम फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, डायफ्रागम फिर क्या आ जाएगा, इस वाली पोजीशन में, तो जिससे क्या होगा, ये जो लंग एक्सपेंड हुआ था ये फिर दोबारा अपना नॉर्मल हो जाता है। तो ये डायफ्रागम में की मस्कुलर वॉल की वजह से ऐसा होता है कि चेस्ट जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड और नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा, लंग्स की वॉल्क में भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो उसको एक्सपेंड करने में और रिलीज करने में हेल्प करती हैं। तो इनहेलेशन का जो पाथ होता है वो ये होता है। ठीक है, इनहेलेशन का जो पाथ होगा एयर का वो क्या होगा, नोज से नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में जितनी भी आ जाएंगी उसके बाद वो लंग्स में एंटर करेगा, लंग्स से फिर वो एंटर होती हैं, फिर लंग्स में जब एयर आ जाएगी ब्रोंकियोल की हेल्प से तो किसमें स्टोर हो जाएगी, एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, यहां से फिर अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, उसकी जो वेन और आर्टरीज होती हैं हार्ट से जुड़ी हुई, वो यहाँ से एल्वोलाई से ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करती हैं। और जब बॉडी में हमारी सेल में टिश्यू में ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है, वहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो वेन या आर्टरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की हैं वो कैरी करके फिर दोबारा से लंग्स को देती हैं और लंग्स उसको क्या करता है, फिर एक्सहेल करता है बाहर की तरफ, तब उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से नोस्ट्रल एंड नोस्ट्रल से नोज से और फिर एयर बाहर, तो वो हो जाता है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो यानी कि दो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को मिला के क्या बना, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन किससे मिलके बना, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन।
टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इनहेलेशन एंड टेक आउट द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज द एक्सहेलेशन। ठीक है, तो इनहेलेशन में जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस हुआ वो ये हुआ, ठीक है, ये लंग्स में आ गया, है ना। इसमें हम एल्वियोली भी लिख सकते हैं, लंग्स के अंदर ही आ जाएगा ये सारी चीजें, लंग्स। ठीक है, ये यहां से फिर किसमें जाता है, ब्लड में। ऑक्सीजन कौन लेगा, ब्लड लेगा, और ब्लड के अंदर वो डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यू में ब्लड उसको ट्रांस सर्कुलेट कर देता है, डिफ्यूज कर देता है, और वहां पे ऑक्सीजन फिर फूड का ऑक्सीडेशन करती है जिससे कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां जाएगी, ब्लड से फिर मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम की आखिरी वेन है वो लंग्स को देंगी एल्वियोलाई और फिर ब्रोंकाई और उसके बाद ट्रेकिया के बाद नॉस्ट्रिल्स और नॉस्ट्रिल्स के बाद नोज और नोज से बाहर आ गया। तो ये वाला प्रोसेस हुआ एक्सहेलेशन का। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो लंग्स का साइज एक्सपेंड हो जाता है, और जब एक्सहेलेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो लंग्स का साइज अपना नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आ रही है और एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके अलावा एल्वियोलाई पे क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, और इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में डिफ्यूज होती है। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होती है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की वो कितनी होती है, 15 to 18 times। ठीक है, 15 to 18 times पर मिनट, 18 times पर मिनट, ये इसकी एक नॉर्मल पर्सन की ब्रीथिंग रेट होती है। ठीक है, अब अगर कोई हैवी वर्क कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, कोई भी फिजिकल वर्क कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, ब्रीथिंग रेट हाई हो जाती है। ठीक है, हम कोई भी हैवी वर्क करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हमें उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। तो 15 टू 18 एक नॉर्मल रेंज है, इतनी नॉर्मल पर्सन की होती है जब वो रेस्ट में होता है। अगर कोई वो वर्क कर रहा है, हैवी वर्क कर रहा है, या काम मतलब कैसे भी वर्क कर रहा है, जैसे वर्कलोड हैवी होगा उतनी ज़्यादा उसकी ब्रीथिंग रेट हाई होती चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि हीमोग्लोबिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में, तो अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन लेवल अगर हमारा बॉडी में कम हो रहा है तो हमारे अंदर क्या होगा, रेस्पिरेशन कम हो रहा है, ब्रीथिंग कम, मतलब कि फूड ऑक्सीडाइज्ड कम होगा, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने के लिए ब्रीथिंग रेट हाई करनी पड़ जाती है, करती है बॉडी फिर हमारी। तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से हमारे अंदर जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी है इसकी, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन से क्या होगा, रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाएंगी और लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। एनर्जी की कमी क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा जिससे एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है तो वहां पे
जो कार्बन होता है प्रोड्यूस होता है, जब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है बॉडी के अंदर। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, और जिससे कि किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर हम किसी भी बंद रूम में कोई भी हीटर यूज़ कर रहे हैं या कॉइल जला रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कम अमाउंट कम होने लग जाती है, और ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने पर हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ना होकर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ हमेशा ऑक्सीजन बाइंड होती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है वो, लेकिन अगर जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को वो रोक देगा, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने पर हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्रीथिंग रेट खत्म हो जाएगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने पे हम लोग क्या हो सकते हैं, हमारी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि एक प्रॉपर एयर में या एक बंद कमरे में हम लोग को कॉइल यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ना इंक्रीज हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर आती रहे, ऑक्सीजन आती रहेगी कमरे में रूम में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली फॉर्म होती रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यही होती है कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही हो, एयर के अंदर ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा एलवीआई पे क्वेश्चन, ट्रैकिया पे, कार्टिलेजिनस रिंग्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग आ जाती है। ठीक है, तो कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे बायोलॉजी विद दीप्ति जैन पे मैसेज कर सकते हैं। तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।